अभी उबर आया नहीं, उबर नहीं एक गाड़ी वाला लेने आ, प्रोडक्शन हाउस से कोई गाड़ी भेज रहा है मेरे को पिकअप करने और स्टूडियो में मुझे ड्रॉप करेंगे। आज यही शूटिंग है, कल रामेश्वर सिटी हमारा बिल्डर ए श्रीधर वाला का शूटिंग है, कल वहाँ शूटिंग है, कितने बजे पता नहीं पर कल शूटिंग है। वो शूटिंग ख़त्म होगा बाद में हिंदी एड की डबिंग करना है। शूट तो हो गया बॉम्बे में पर कोई दादी का रोल किरदार निभा रहे है उसकी डबिंग मुझे करना है, मुझे बोलना है वहाँ उसका डायलॉग मुझे डब करना है। तो दो काम कल है मेरे को, बाद में पता नहीं क्या होगा पर भगवान की दया से कुछ न कुछ काम मिलता रहता है, चलता रहता है। मेन वस्तु आ है कि भगवान ऊपर भरोसा रखो ना, तो भगवान बहुत दयालु है। मारो वालिडो, ओम नमः शिवाय। जय हनुमान दादा, हे मारा दादा, हे मारा वालिडा, मारो दीकड़ो, मारो मेहुल। चलो मेरी गाड़ी आ चुकी है, एक्स्ट्रा साड़ी ली है मैंने। सो इट्स लाइक आई डोंट आइडियलाइज पीपल, ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये बेसिकली आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि जो ना एक इंसान को ऐसा भगवान का स्वरूप दे दे कि ओहो अब ये जो बोलेगा मेरे लिए वही है। सो ऐसा तो मैं किसी को नहीं मानती, बिकॉज आई द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू एनी वन इज़ टू एक्सेप्ट दैम हैज ह्यूमन्स। अब उसमें हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें कोई भी आ जाता है, जो इंसान है वो कोई भी, उसको पहले इंसान के स्वरूप में एक्सेप्ट करो कि वो इंसान है, ही इज़ ह्यूमन, उनसे गलतियाँ हो सकती है, उनसे समझने में मिस्टेक्स हो सकती है, उन सब लोग सब जगह सही नहीं होते। सो बेसिकली आई ऑलवेज बिलीव के मतलब यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल, यू लर्न फ्रॉम पीपल, बट डोंट आइडियलाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ब्लाइंड होके उसने बोला ये तो ये ही सच होगा, ऐसा नहीं है। अपनी कंसाइंस से बात करते रहो, टॉक टू योर आत्मा, टॉक टू योर लाइक व्हाट योर इंटेलिजेंस इज, फिर डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ। एंड हम भी ह्यूमन है, सो वी आर ऑल्सो यू नो वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, सो वी टेंड टू मेक मिस्टेक अ लॉट, टू ऑर इज ह्यूमन, ऐसा हमारे मॉरल साइंस में पढ़ाते थे एंड आई स्टिल रिमेंबर, एंड इन गुजराती इट इज़ मानस मात्र भूलने पात्र, सो लाइक दैट। सो आई डोंट आइडियलाइज ह्यूमन, सो आई डोंट अग्री विथ एवरीथिंग दैट ही इज सेइंग इनसाइड, बट आई जस्ट वॉन्ट, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड एंड सो लाइक है। साड़ी क्योंकि कोई साड़ी चेंज करनी पड़ी थी। यस यस, चलो जाओ शूटिंग के लिए, शूटिंग गाड़ी आ चुकी है, खोली ले तो कोई टेंशन नहीं, एक मिनट है। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी हारी है, ठंडी ठंडी जाओ तो भाई। चलो ऐसी स्कूटी जबरदस्त आओ ले लो, जन सीख आवड़त ना नहीं विकलांग कहवा बेटा, जेने गाड़ी फावे नहीं मार जीवी એને વિકલાંગ કહેવાય, નકર બીજાને વિકલાંગ કરી નાખે, સમજે? વાત તો સહી છે, મોટર બોટર બધું કમ્પ્લેટ, મસ્ત ગાડી છે, જો કમ્પ્લેટ આખું ઓલું અંદર વ્હીલચેર, હા મસ્ત સ્કૂટી છે, ખોલું કાટ, હા આ ખોલું ના બજન, જોરદાર ભાઈ મસ્ત, જેવી બેનોને નમ્ર વિનંતી છે આવી સ્કૂટી લઈ લેવાય, ના કોઈના હામે વાળાને વિકલાંગ કરે ના પડે છે, આવું લેવાય ખરેખર મારી તો ઈચ્છા છે જ હોસ્પિટલમાં રોજે રોજ કા ઉસમે ગયા નીતેશ ભાઈ હે ગાડી વાલે બહુત ગુડ બચ્ચા હે અંદર મેં આયે એસી ચાલુ થાય ઇતના અચ્છા લગા મેરે કો તો નકે ઉબર વાલે ક્યા કરતે પતા હે બોલના પડતા ભાઈ એસી ચાલુ કરો, ગભરામણ થાય છે, સફોકેશન થાય છે, તબ જાકે એસી કરતી હે, ચલો ભાઈ લાલો કરી એનો બચ્ચે, મેં લોકેશન ભૂલ ગઈ હતી ઇસલિયે અભી બતા રહી હું, મેં વંદે માતરમ મેં મેરા શૂટિંગ હૈ, જો ગાડી ખાડા ખબોચે મેં એસી હિલતી હૈ તો મેરા કેમેરા ભી હિલ જાતા હૈ, બુરા મત લગાના, બહુત બઢિયા બઢિયા સા લોકેશન હૈ ઓર બિલ્ડિંગ ભી હૈ, મેને નહીં બનાઈ હૈ, આપ ગલત મત સમજના, યે સબ બિલ્ડિંગ
बिल्डिंग बनेंगे, ग्रीनरी 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 ऐसा लगता ही नहीं अंदर सोसाइटी होगी यहाँ बिल्डिंग होगी। बाय बाय, बहुत बढ़िया। मेरा ब्लॉग हिंदी में आता है और हिंदी में ही बोलूँगी, जहाँ अटकूँगी वहाँ प्राण। वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या मारूँ तू मरा कही चुप। गोदरेज गार्डन अगर जो तेरा पानी ना पाक एम पास डामर रोड खबर से पानी भराय से शूँ डामर रोड बनावता है। एक बार बना दो सीमेंट का रोड, कोई झंझट नहीं, नहीं आपको बनाने में तकलीफ नहीं हमें। आई जस्ट सॉ यो यो हनी सिंह इंटरव्यू ललन टॉप, आई लव ललन टॉप इंटरव्यूज एंड या यो यो हनी सिंह इंटरव्यू, आई लव टू इंटरव्यूज एक्चुअली, एक चे ललन टॉप ने एक चे द अनफिल्टर्ड बाय समदीश। पेलो महाराजा जोवानुं छे मारे पहेली पहेला सौ शक केम थई સમદીશ કરીને છે, હી ઇઝ વેરી ફની, આમ પેલું કહેવાય ને કોકી, એવું એવું પૂછે ને પોલિટિશિયન્સને પૂછે એ માણસ, એન્ડ ધી લલન ટોપ વેરી રિસર્ચ એન્ડ કેન્ડિડ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ એન્ડ આઈ સો યુ યુ હની સિંગ્સ ઇન્ટરવ્યૂ એન્ડ અચ્છા મોમનો બ્લોગ હિન્દીમાં છે તો હિન્દીમાં બોલીશ કે સબકો યે ઇન્ટરવ્યૂ દેખના ચાહીએ બિકોઝ यू नो यू यू गेट टू वॉच कंटेंट जिसमें से यू लर्न कि हमें क्या क्या करना चाहिए। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग एंड आई वॉज सो क्लियर कि क्या क्या नहीं करना इन लाइफ एंड ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग कैंडिड मैन यो यो हनी सिंह। ही सो कैंडिड अबाउट हिज लाइफ, जिस तरीके से ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ हिज मिस्टेक्स ruined his life and how he was crashed because of his decisions. तो ये सीखनी चाहिए कि at the end of the day हमें किस तरीके की life चाहिए। जिसको नाना है यहाँ नदी भराई गई है, आप आ सकते हैं गोदरेज गार्डन, गोदरेज सिटी, यहाँ तालाब जैसा पानी भर गया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर मैंने मोबाइल हर किसी से नहीं पकड़े तो वो भी ना लेगा मोबाइल भी, इसीलिए जोरों से पकड़ना पड़ता है। देखो कितना पानी भरा है, शाबाश शाबाश। खड़े हैं, मेरा ब्लॉग चल रहा है बेटा, चलूँगी यस चलो चलो बेटा आ गए। अच्छा अरे माड़ी मैं तो अभी मैं उतर जाती। चलो बेटा फैसिलिटी देखो, ये बैग भी मुझे नहीं पकड़ना होता है। जब मैं गाड़ी से उतरी तो तरत एक बच्चे ने बैग ले लिया और ये रूम है। अभी मुझे बोले तो कपड़ा चेंज करना पड़ेगा और तैयार होंगी, डायलॉग में रीड करूँगी। डायलॉग मोटा पाका होना चाहिए, वो पाका हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। बराबर तरह देखा हो आपको, गोदरेज सिटी का है समझे। चलो खोल के बताती हूँ, कैसी की हवा बाहर हो जाएगी। हाँ अभी कॉफ़ी और चाय नाश्ता जो भी पीना है, चाय पी हुआ तो चाय, कॉफ़ी पी तो कॉफ़ी, वो आएगी और मुझे चाय नाश्ता करके छुट्टी चल जा रहे हैं वैनिटी में मेकअप करने। यस इसका मैंने वॉशिंग मशीन ठीक करा वाला बुलाया तो खटखट खटखट मारते एट मारी ऊँगी भी रही पूरी, हूँ 6-7 वगे उठती थी, पची बस 10:30-11 वगे तो आई गया था खटखट खटखट। અને હું તો ટીવી ચાલુ મૂકીને હોય ગઈ મને ઊંઘાઈ ગઈ હતી, પછી કાંઈ નહીં, હા પછી સવારે આવી તો પછી મીટિંગમાં ગઈ, મૂવીના સોંગની સ્ક્રિપ્ટ મીટિંગમાં ત્યાં ગઈ, ત્યાંથી પછી સ્ટુડિયો આવી, સ્ટુડિયો આવીને ઉડનછુ ફિલ્મ આવે છે એના માટેની બે સ્ક્રિપ્ટ લખી ફોર ઇન્ફ્લુએન્સર્સ, પછી શું કરું બસ, પછી કાંઈ નહીં, પછી એક સોંગના લિરિક્સ લખ્યા અહીંયા ફોર ફિલ્મ પચારો, પછી બસ હજુ એક સોંગનું લિરિક્સ લખું છું, મારી લિંક તૂટી ગઈ અહીંયા કમ્પોઝર છે ને ગૌરવ ભેડુલા, એ ચ્યુંગમ કે કંઈ પડ્યું છે એમ કરીને આવ્યા હતા, કેવું ને આપણે જે 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 જુસ્સાથી ક્યારેક કોકની જોડે વાત કરતા, હા જુસ્સાથી કંઈક કંઈક મસ્ત કંઈક વાત હોય ને આપણે હસીને વાત કરતી કરીને, અરે બહુ મજા આવીને, અને એમાં ઓડિયો રેકોર્ડ જ ના થયો એટલે બીજી વાર આપણે ફેક સ્માઇલ કે ફેક હસું કાઢવું પડે ફરી મોકલવા માટે, આ વાતનો ઇરેલેવન્સ હતું પણ વાંધો નહીં, ચલો કામે લાગીએ। મારી વેનિટી, યસ વેનિટીમાં મેકઅપ થશે, માથું રહેશે,
કેમ છો? ચલો હેલો ગાઈસ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો પ્રેમ, બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. હેલો રોનક, હેલો. એ દોનો હીરો હે, મેરા કો પકડને બહુ ઊંચા રખા હે ભૈયા. અરે બાપ રે, दादी ये बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं. कैसा है बेटा? बहुत परफेक्शन मेकअप करता है. यही मेरा प्रेम गढ़वी हीरो. अरे मेरा बच्चा. हेलो रौनक. हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? एकदम मजा में. मैं बढ़िया लग रही हूँ. बहुत ऑलवेज. तो मैं ये साड़ी पहनी से नहीं हमने पहनाई थी. ना ये नहीं है. ये तो कॉपी डिजाइनर साड़ी लागे छे. हां हेलो निकी. निकी ना निकी. हेलो निकी. हेलो, मेरा ब्लॉग में आपका स्वागत है. हां बहुत अच्छा है, मैंने देखा है. यस चलो भाई, थैंक यू. मत बात जी, जोर से खींचो, जोर से खींचो बेटा. अरे खोलो खोलो, लॉक नहीं है. क्या जो निकु भाई, जय श्री कृष्ण. आपका वेलकम. फोर मेमोरीज आप लोगों के साथ मनाओगे. सो मतलब दैट्स हाउ मेमोरीज वर्क, द टाइनी मोमेंट्स, द लिटिल हैप्पीनेस. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग गुडनेस इन पीपल एंड फॉरगिविंग सारी और चीज़ें, सो थिंग्स बिकम बेटर एंड ईजियर. सो या एट द एंड ऑफ द डे दैट हैपेंस टू मी अलॉट. लाइक इमोशंस ट्रिगर इन मी अलॉट, बट आई फाइंड अ वे टू लेट इट आउट. या तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मोस्टली लिख लेती हूँ, एंड लिखने के बाद भी डू आई फील दैट एंगर, डू आई फील कि मुझे अभी भी गुस्सा है या किसी से कोई शिकायत है, क्योंकि लिखने के बाद फॉर सम रीज़न कुछ ऐसा होता है. बेसिकली आई राइट शायरीज और रैप्स और सॉन्ग्स और जस्ट ऐसे ही आई राइट समथिंग, तो फिर वो क्लैरिटी मुझे मिल जाती है कि फिर ना मेरा तुरंत एक जोन है. ये मेरी मॉम मुझे जग वकील इसीलिए बुलाती है बिकॉज आई स्टार्ट सीइंग द सिचुएशन फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो फिर मैं उस इंसान के बारे में सोचूँ कि अच्छा इस सिचुएशन में शायद मैं होती तो मैं भी ये बोलती, मैं भी ये करती. सो देन थिंग्स बिकम ईजियर टू जज. एंड जब आप गुस्सा होते हो ना, एंड जब आप या फिर अपसेट होते हो या दुखी होते हो, तो आपको सिर्फ वो इंसिडेंट मैटर करता है, बट आप ना बिगर पिक्चर नहीं देखते कि अभी तक वो इंसान कैसे रहे हैं आपके साथ. एंड अगेन वही वाला फॉर्मूला कि वो भी एक इंसान है. सो एक्सेप्ट देम एज ह्यूमंस एंड देन थिंग्स बिकम ईजियर. यू स्टार्ट सीइंग गुड इन पीपल. सो हाँ, यू स्टार्ट सीइंग गुड इन पीपल, सो यू स्टार्ट फोकसिंग इन द गुड दैट इज़ इनसाइड यू. सुबह 6 बजे मैं मोटिवेशन की बात कर रही हूँ बिना सोए. सो या ये सब सूट चल रहा है थोड़ा घना. मैं खाने के लिए जा रही हूँ. यस चलो जम्मा माटे रेडी. तो केम छो? मजा में. यहाँ सब आयरन हो रहा है. जय श्री कृष्ण बेटा. यहाँ सब खाना है. यस हाँ, छास चाहिए मेरे को. छास बिना गले नहीं उतरता. बराबर. थैंक यू बेटा. क्या नाम है उसका? तेरा नाम प्रकाश. थैंक यू बेटा. लव. यस ब्लॉग में आपका स्वागत है बेटा. वो बच्चे ने मेरे को थाली बना के दिया है. देखो मेरा खाना बताती हूँ. ये सब खाना होता है. छास है, सीरा है, दाल भात, रोटली, पापड़, मिर्चा. अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, भाई. ओके ओके, मजा में एकदम मस्त मस्त. हेलो बेटा, क्या छो? तुम्हारा नाम बेटा? बीना. बीना शाह. मेरा ब्लॉग में आपका स्वागत है. यूट्यूबर छू ना तो. यस है. 64 64,000. यस. आज मुझे ये मकान मालिक मिले हैं और सब बच्चे मेरा साथ सेल्फी लेने आए हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं. थैंक यू सो मच बेटा. मैं तो वीडियो जो मन कपड़े वॉशिंग मशीन नहीं, सॉरी वॉश बेसिन. वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन ठीक करावाड़ा बोला था. वॉश बेसिन बोले इतनी डिस्टर्ब करा आज कल. डिस्टर्ब ना करे
ઇટ્સ લાઈક અ વ્લોગ, નોન ઓફ ધેર બિઝનેસ. ખાલી દરવાજો ખપલો કરી આપે, ચિલ કરો. સ્ટુડિયો મેં જાકે આઈ રોટ ટુ સોંગ્સ, ઘર પે આકે આઈ સો કપિલ શર્મા શો. પહેલે તો મેં કલકી કા થોડા સા મૂવી, ફોર સમ રીઝન કલકી કિસ ટાઈમ પે મેં શરૂ કિયા આઈ ડોન્ટ નો, बिकॉज वो खत्म ही नहीं हो रहा था. फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया मैं सो गई, वेरी फर्स्ट टाइम मूवी देखते देखते सो गई मैं. नो, इट्स अ ग्रेट मूवी बट आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट इज़ अ थिएटर वॉच, आई शुड हैव सीन इट इन थिएटर, बट मैं यहाँ देख रही हूँ इसलिए. ऑल्सो आई वेरी टायर्ड, सो खत्म ही नहीं हो रहा. फिर कुछ काम आ गया था, सो अगेन थोड़ी सी कल की मूवी बची थी वो देखी मैंने. देन विथ मॉम एवरी डे आई प्रॉमिस्ड कि जितना हो सके कपिल शर्मा शो देखूँगी पर एपिसोड पूरा. मुझे पहले वाला कपिल शर्मा शो बहुत पसंद है, ये भी पसंद है, आई डोंट नो बट आई कुडंट कनेक्ट, अब पता नहीं क्यों. तारक मेहता शो जैसा. हाँ, उसके बाद आई सॉ कपिल शर्मा शो. उसके बाद मैंने लिखा एक गाना, क्योंकि कल मेरी एक मीटिंग है मूवी के सॉन्ग के बारे में, सो आई रोट द होल सॉन्ग. फिर मैंने दो रील की स्क्रिप्ट के बारे में सोचा एंड आई वॉज स्टक, सो आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री. या एंड इट्स 6 in the morning, पूरी रात ऐसे ही चली गई है. कल मेरी मीटिंग है और अभी तक मुझे वो मूवी प्रमोशन के लिए जो रियल कंटेंट सोचना था वो नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने उसी मूवी के लिए बहुत सारे ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे चुकी हूँ. सो फॉर द सेम मूवी और इन्फ्लुएंसर्स को अब स्क्रिप्ट के लिए सोचना है. सो एक ही मटेरियल में से और कितना निकलेगा, सो लेट्स सी, इट्स अ चैलेंज. कल बताऊँगी कि क्या मैं सोच पाई. मॉम हेडलाइन लगाई मेरे मुँह पर, क्या जानकी सोच पाई. जस्सी जस्सी. लो मैडम, तमने दरवाजो खोली दिए. તને કહો તને કઈ ના થાય રોડ પર, પણ તારા લીધે કોક તો ભટકી જાય. કે કે બોલો તને. ચલો બાય. આજે સવાર સવારમાં કે મૂવીની મીટિંગ હતી તો જેનું સોંગ રાત્રે લખ્યું હતું, તો યસ આઈ વેન્ટ દેર અને 5 વાર સોંગ ગવડાવી મારી આગળ. ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ, શીખવા મળ્યું ઘણું. એમાં હજુ છે, નેક્સ્ટ મીટિંગ થોડા ટાઈમ પછી છે અને અત્યારે આઈ મીન સ્ટુડિયોમાં આવીને શૂટ ચાલુ છે, એટલે એક અહીંયા આગળ ઓફિસ ખાલી છે એટલે ત્યાં આગળ બેસીને અત્યારે લખું છું એક સોંગ. આઈ કાન્ટ રિવીલ ધ નેમ બટ યા. પહેલાં તો આઈને શું કર્યું, કહેવાય આજ કેટલું કામ કર્યું. રાત્રે પેલું એ કર્યું, શું કહેવાય, ઇન્ટરવ્યૂને બધું જોયું, પછી લિરિક્સ બધું એ લખ્યું, પછી એકચ્યુઅલી આઈડિયાઝ અમુક હતા જ તે, મારે ખાલી એને પેલું કરવાનું હતું એ કર્યું. પછી સવારે 11 વાગ્યા મમ્મી ના આવું જોઉં, હું જ્યારે સૂતી ના હોય ને, જે દિવસે સૂતી ના હોય ને એ જ દિવસે એને બધું ખૂચે. તો મમ્મીએ શું કર્યું, કહે છે એ ટાઈમે કેટલા ટાઈમથી મારું વોશ બેસિન ખરાબ થઈ ગયું હતું, તો એ જ ટાઈમે મારા માથે ખટખટ ખટખટ ચાલુ.